नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। तीरंदाजी मुक्केबाजी से मिली भारत को अच्छी खबर। महिला तीरंदाजों ने रियो ओलंपिक के पांचवे दिन व्यक्तिगत वर्ग में जीत दर्ज की, जबकि मनोज कुमार ने मुक्केबाजी रिंग में पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को हराया। निशानेबाजी में जीतू राय क्वालिफाइंग दौर से बाहर ही हो गए। निशानेबाजी में अभी तक भारत की झोली खाली है और जीतू का 50 मीटर एयर पिस्टल से बाहर होना निराशाजनक रहा। उन्हें इस वर्ग में पदक की उम्मीद माना जा रहा था। महिला हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 6-1 से हराया। तीरंदाजी में व्यक्तिगत रिकर्व में लेशराम बोम्बाइला देवी और दीपिका कुमारी अपने अपने वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। वहीं मनोज ने लंदन ओलंपिक के लाइटवेट कांस्य पदक विजेता एवाल्डास पेत्राउस्कास को वेल्टरवेट के पहले दौर में हराया। महिलाओं को 6.5 माह का मातृत्व अवकाश। केंद्र सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी, जिससे कामकाजी महिलाओं को 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अभी कामकाजी महिलाओं को 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की सुविधा हासिल है। कोई भी कामकाजी महिला इस सुविधा का लाभ केवल 2 बच्चों के जन्म पर ही ले सकती है। तीसरी संतान की स्थिति में ये लाभ 12 सप्ताह से अधिक नहीं होगा। ये लाभ सिर्फ उन्हीं संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं को मिलेंगे जिनमें कर्मचारियों की संख्या 10 से ज्यादा है। नए उपग्रह से अपने समुद्री हितों की रक्षा करेगा चीन। दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीपों को लेकर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने कहा कि उसने अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए नए उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। चीन ने बुधवार को गाओफेन 3 उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। राडार प्रणाली से लैस ये उपग्रह 1 मीटर के रेजोल्यूशन के साथ अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें ले सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह किसी भी मौसम में काम कर सकता है। इस परियोजना के प्रमुख शू फुक्शियांग ने चीन के सरकारी समाचार पत्र चाइना डेली को बताया कि ये उपग्रह समुद्री वातावरण, द्वीपों, जहाजों और तेल संपदा की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गाओफेन 2 जैसा उपग्रह देश के समुद्री अधिकारों और हितों की रक्षा करने में काफी फायदेमंद साबित होगा। पिछले माह हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे के खिलाफ फैसला सुनाया था, लेकिन चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है।